हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली ये सुपर कूल लुक, सो आई होप आपको पसंद आए। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली ये ब्यूटीफुल सा लुक, फेस पे जो भी डार्कनेस है उसे मैं कवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्राइलॉन का सुप्रा पैलेट मुंबई 02। इसमें आपको सब मिल जाएगा, कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन, काफी अच्छा पैलेट है ये गाइस। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइट फाउंडेशन इसके ऊपर। अब मैं यूज कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर बेस को सेट करने के लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। आई बेस को मैं सेट कर दूंगी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। ऑल्सो मैंने कॉन्टरिंग कर लिया है अपने फेस पे। अब आई शेडो पैलेट में से मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन कलर अपने क्रीज लाइन के ऊपर। अब मैं यूज कर रही हूँ शिमरी ब्लू शेड। ये शैडो एक विंटरी लुक देता है गाइस। अब मैं यूज कर रही हूँ टील आई शैडो आउटर कॉर्नर्स में। आउटर से इनर कॉर्नर में मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। अगेन मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर सो दैट जो नेक्स्ट शैडो मैं अप्लाई करती हूँ वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा एंड ज्यादा पॉप होगा। आप डायरेक्टली दूसरा आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो गाइस, बट मैं प्रिफर करती हूँ कंसीलर लगा के फिर उसके ऊपर आई शेडो अप्लाई करना। वाव, आई लव इट। ये शेड काफी शाइनी, स्पार्कली और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट इन द शेड 12। अब मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आईलाइनर मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं है मुझे गाइस, बिकॉज इसके आगे मैं इस पे लुक क्रिएट करने वाली हूँ फेस पे। अगेन टील शेड को यूज करके मैं अपने वाटरलाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें आप डार्क ब्लू कलर आई शेडो भी ऐड कर सकते हो। अब इनर वाटरलाइन के नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर। स्नोई विंटरी लुक देने में ये सिल्वर शेडो हमारी हेल्प करेगा।
अब सेम आई शेडो जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर में लगाया था उसी की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे पेंट कर रही हूँ। ऑल्सो गाइज इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। दूसरे साइड पे भी मैं सेम टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ गाइज। आई एम सो हैप्पी गाइज ये लुक कितना अच्छे से टर्न आउट हो रहा है। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल गाइज जैसे कोई ओशन होता है। सो फाइनली हम आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। आई होप मेरी लाइंस जो है वो अच्छे से बने, मेरी ड्राइंग अच्छे से बने गाइस। ओके, अब वाइट लाइनर की हेल्प से गाइस मैं लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। आई एम मोस्ट स्केयर्ड ऑन दिस पार्ट क्योंकि अगर मुझसे गलत बन गया तो ख़राब हो जाएगा ये लुक। यहाँ मैं स्नोफ्लेक क्रिएट कर रही हूँ एंड मेरे इंस्टा अकाउंट का नाम भी स्नोफ्लेक है। इट लुक्स वंडरफुल गाइज, जैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसे ही है, इन फैक्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। सिंपल, क्रिएटिव एंड ब्यूटिफुल लुक है गाइज। गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। लुक कम्प्लीट करने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है लैशेस, लिपस्टिक। ऑल्सो आई लुक कम्प्लीट करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़े व्हाइट डॉट्स, डायमंड्स। एक्चुअली जो डायमंड की टिकलियाँ आती है वो मैंने अप्लाई किया है। सो गाइज ये मेरा लास्ट वीडियो है इस साल का। अब हम मिलेंगे अगले साल बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। So guys, make sure to hit that subscribe button. नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। Also guys, Merry Christmas and Happy New Year आप सबको।